नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू केवी क्लासेस। केवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज है आपका 3 मार्च, एसएससी सीजीएल टीयर वन का एग्जाम। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन हम देखेंगे यहां पे दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे और क्या क्या पूछा गया है, कितना केसेस से पूछा गया दोस्तों, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हमारे पास उपलब्ध हो गए हैं तो मैं शेयर करना चाहता हूँ आप सबों के साथ, ठीक है। आप अपना आंसर मिला लीजिएगा, आने वाले एग्जाम में जिसका भी बचा हुआ उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, ठीक है। और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसको भी क्लिक कर दीजिए। इसके अलावा ये इसमें हम जीके जीएस का क्वेश्चन देखेंगे, मैथ्स के लगभग क्वेश्चन हमारे पास थोड़ी देर में आ जाएंगे, मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, ये देखिए क्वेश्चन पूछा था कि भारत का वर्तमान सीजीआई कौन है। भारत का जो वर्तमान सीजीआई कौन है आपका, शरद अरविंद बोबड़े है आपका, ठीक है। शरद अरविंद जी हैं भारत का वर्तमान सीजीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद है कि पंजाब का वर्तमान सीएम चीफ मिनिस्टर कौन है, मतलब मुख्यमंत्री कौन है, अमरिंदर सिंह है। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, अमरिंदर सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था गुप्त काल की स्थापना किसने की। तो गुप्त काल की स्थापना 320 ईस्वी में लगभग 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। किसने किया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था और 510 ईस्वी तक यह वंश शासन में रहा था। अगला क्वेश्चन इसके बाद श्रीलंका का प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है, महिंदा राजा पाक्सा, ठीक है। महिंदा राजा पाक्सा जो कि श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद है पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। भूपेश बहगल है, कौन है, भूपेश बहगल आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद है कि सांची स्तूप किसने बनवाया। तो सांची स्तूप किसने बनाया था, सम्राट अशोक महान ने 3rd शती ईस्वी पूर्व में बनवाया था। किसने बनाया था, सांची स्तूप किसने बनाया था, अशोक महान ने बनाया था, सम्राट अशोक ने। अगला देखते हैं ईयर्स बोन से देखिए यहाँ दो क्वेश्चन बनता है। ईच ह्यूमन ईयर्स हैज 3 बोन्स, ठीक है। 3 बोन्स होते हैं, नॉन एज क्या कहलाते हो, ऑसिसेल्स कहलाता है आपका, ठीक है। तो ये से रिलेटेड देखिए क्या कौन सा क्वेश्चन पूछा था, क्लियर मेरे पास नहीं है लेकिन ये लिख के भेजा था कि ईयर्स बोन। तो ईयर्स बोन में क्या है, ह्यूमन बींग्स में कितने बोन्स हो सकते हैं, 3, और ये क्या कहलाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद कहता है कि स्टडी ऑफ डॉग्स क्या, साइनोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ डॉग्स को क्या कहते हैं, हम साइनोलॉजी कहते हैं। इसके बाद पूछा गया था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे इफेक्टेड ए कंट्री वाइड लॉन्च चित्रकूट उत्तर प्रदेश। अब देखिए ये आपका प्लेस पूछा था, इन विच प्लेस, ठीक है। ये पूछा था कि 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एम टू प्रोवाइड स्मॉल फार्मर्स प्लेटफॉर्म टू कलेक्टिव टैकल दियर चैलेंजर राइट फ्रॉम द एसेसिंग वेरियस एग्रीकल्चर इनपुट्स टू मार्केटिंग दियर प्रोड्यूस। ये पूछा था कि ये कहाँ पे आपका मोदी जी ने ये किया था, तो ये किया था कहाँ पे, चित्रकूट उत्तर प्रदेश में किया था। ये आपको पूछा गया था जो कि आंसर इसका क्या होगा, चित्रकूट उत्तर प्रदेश, या तो ये दिया होगा या तो दिया होगा, दोनों दिया होगा तो दोनों आंसर होगा। उसके बाद था कि IFO इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है, ये आपका मुनिच जर्मनी में है, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। यदि आपके पास क्वेश्चन है तो शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों से, ठीक है, शेयर कीजिए ताकि मैं सारे क्वेश्चन को उपलब्ध करा सकूँ, जो आने वाले दोस्त भी हैं जो भी हैं तो उन लोगों को लाभ पहुँच सके, ठीक है। आप हमें मेल भी कर सकते हैं क्वेश्चन kvclasses2017@gmail.com पर आप हमें भेज सकते हैं, या कमेंट के माध्यम से आप क्वेश्चन हमें बता दीजिए, ठीक है। कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर मेरा होगा 9578-13-77 पे आप हमें भेज दीजिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे क्वेश्चन भेज दीजिए मैं, ताकि सारा क्वेश्चन अपडेट कर सकूँ, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।